नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार में एक बार फिर से भ्रष्टाचार का पुल गिरा है। नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट का वो पुल गिरा है जो अरबों की लागत से बना था। इस पुल का उद्घाटन नीतीश कुमार करने ही वाले थे कि सुल्तानगंज अगुवानी ब्रिज जो है वो धराशायी हो जाता है और देखते ही देखते तस्वीरें आपने देखी है कि किस प्रकार गंगा नदी में ये पुल समा जाता है। 5 पिलर टूटकर गिर जाते हैं और अफरा तफरी का माहौल अचानक कायम हो जाता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं, जो तटीय इलाके के लोग होते हैं। ऐसे में अब देर रात वहां पर अधिकारी पहुंचते हैं मामले की जांच को लेकर के, और क्या कुछ बता रहे हैं जरा सुनिए। देखिए, हम लोग को जैसे पुल गिरने की सूचना मिली उसी समय जो स्थानीय जो बीडीओ हैं तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। हम लोग भी लगातार जो पुल निर्माण निगम के जो भी इंजीनियर्स हैं उनसे कॉन्टैक्ट में हैं और अभी तक कोई भी किसी की हताहत या फिर किसी के घायल होने की सूचना अभी तक नहीं है। और बाकी जो चीज़ है वो टेक्निकल चीज़ है, वो जांच का विषय है, वो निश्चित रूप से जांच के बाद वो स्पष्ट हो जाएगी। जी, मेरी बात हुई थी जब वही लगभग 6:30 के करीब हुई थी, तो उनके द्वारा फिर हम लोगों ने पूछा था क्या कोई उनके कोई लेबर या फिर कोई उनके कर्मी वगैरह वहाँ पे हैं, तो उनके द्वारा ये पुष्ट किया गया था कि चूँकि आज संडे का समय था और संडे को दोपहर को वो लोग सेकेंड शिफ्ट में कार्य नहीं कर दूर वगैरह नहीं थे, और उनके तरफ से भी इस बात की पुष्टि की गई है कि कोई भी व्यक्ति उनके घायल या लापता नहीं है। और आगे लेकिन फिर भी हम लोग SDRF की टीम को हम लोगों ने सामने भी लगाया और कल सुबह भी एक बार हम लोग प्रिकॉशनरी निश्चित रूप से उसको दोबारा सर्च कर। पुल का कितना हिस्सा सर भागलपुर और खगड़िया में? और देखिए, 9 से 13 नंबर का पुल अभी तक सूचना है हम लोगों को, तो 9 नंबर पुल वो शायद भागलपुर के सेक्शन में आता है, उसका एक थोड़ा सा पोर्शन है, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन खगड़िया डिस्ट्रिक्ट का है जो गिरा है। तो सुना आपने, अनुमंडल पदाधिकारी बता रहे थे, धनंजय कुमार थे, और उन्होंने कहा कि मामला संज्ञान में आया है। आपने तस्वीरें देखी है और जांच चल रही है। क्या कुछ हुआ है, कौन इसमें लिप्त है, भ्रष्टाचार कहां से शुरू हुआ है, और बनावट को लेकर के या फिर उसमें मटेरियल को लेकर के या फिर उसमें किए गए कार्यों को लेकर के वो कंपनी भी शिकंजे में है, वो कंपनी भी घेरे में है जो ये काम करा रही थी। और अब जो है इस मामले में बड़ा अपडेट निकलकर एक के बाद सामने आ रहा है। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि हमारे संवाददाता जो कुणाल शेखर है भागलपुर के, उन्होंने कैसे स्थानीय लोगों से बातचीत की, और स्थानीय लोगों का तो यहां तक कहना है कि कई लोग लापता हैं। लेकिन ऐसे में अब पदाधिकारी देर रात की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब जांच के लिए पहुंचे थे, वहां मुआयना करने के लिए पहुंचे थे, और उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है। लेकिन सवाल यह है कि बिहार में भ्रष्टाचार का एक और पुल गिरा है, और आखिर ऐसा कैसे हुआ है। देखिए, इसी पुल पर पिछले साल भी दुर्घटना हुई थी और पुल टूट करके कुछ हिस्सा इसका फिर से गिरा था, लेकिन उस वक्त इस मामले को दबा दिया गया था। इस मामले को यह कहकर डाल दिया गया था कि इसमें ज्यादा क्षति नहीं हुई है, आम जनमानस का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि नुकसान इस बार भी आम जनमानस का नहीं हुआ है। खबर जो पुष्टि की जा रही है सरकारी आंकड़े के अनुसार किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन पुल जिस प्रकार गिरा है, अरबों का नुकसान हो गया, अरबों की लागत से यह पुल बना हुआ है। नीतीश कुमार उद्घाटन करने ही वाले थे कि ऐसे में पुल का गिर जाना अपने आप में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की कलई खोल रहा है। और भ्रष्टाचार में लिप्त कौन लोग शामिल हैं, किसकी करनी से यह हुआ है, किसकी अनदेखी से, किसकी लापरवाही से यह सब कुछ हुआ है, उन तमाम चीजों की जांच चल रही है। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने कल ही आपको कह दिया था कि देखिए हम जांच कर रहे हैं और कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।